हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में दबाइए इस घंटे को ताकि नई वीडियो अपलोड करने पर आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि फोटोशॉप पर प्लगइन्स और फिल्टर कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आप कोई फोटोशॉप पर नया ब्रश ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कैसे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप फोटोशॉप पर देखे होंगे यहाँ फिल्टर्स पर, जैसे कैमरा फिल्टर हो गया और ये निक कलेक्शन के ये सभी फिल्टर हो गए, टोपाज लैब हो गया, या फिर जो है नॉइस कम करने के लिए ये ऑयल फिल्टर हो गया। तो दोस्तों इस तरह के फिल्टर आप कैसे, कहाँ से आपको मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो जानने के लिए ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी आपको पता चल पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें और देखते हैं कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले डाउनलोड करेंगे निक कलेक्शन, तो गूगल ओपन कर लें और गूगल पर टाइप करें निक कलेक्शन, इतना लिख के इंटर कर दें। और ये देखिए पहली वाली वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेंगे। और दोस्तों सभी सॉफ्टवेयर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए वेबसाइट ओपन हो गई है। देखिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं सभी फिल्टर्स जो है एक ही सेटअप में आपको मिल जाएंगे। तो अब सिंपली आपको यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना है, और ये पूछ रहा है मैक के लिए करना है या विंडो के लिए, तो विंडो के लिए करना है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, ये 429 MB की फाइल है, तो इसको स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। तो ये मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए मैं जो है इसे डाउनलोड नहीं करूँगा, इसे कैंसिल कर देते हैं। और दिखाते हैं डाउनलोड होने के बाद जो है इस तरह से आएगा। ये देखिए निक कलेक्शन का सिंगल सेटअप है, इस पर केवल ओपन करना है, इसमें की वगैरह कुछ भी नहीं डालनी होती, ये केवल आप सेटअप जो है पूरा कर लेंगे बस। ओके कर दें, नेक्स्ट कर दें, एग्री, नेक्स्ट। ये देखिए फोटोशॉप सीसी मेरे में डाउनलोड है 64 बिट का, इसलिए जो है इस पे दिखा रहा है। आप जो भी फोटोशॉप डाले होंगे तो ये आपको दिखाएगा। अब यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक कर दें, तो ये इंस्टॉल होने में 1-2 मिनट लग जाते हैं, तो इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं। इंस्टॉल हो गया है, फिनिश कर लें। अब चलिए फोटोशॉप ओपन करके देखते हैं किस तरह से आता है। तो ये देखिए जो है इस तरह से ओपन हो, ये देखिए निक कलेक्शन का ये वाला टूल आ गया है। तो मैं इसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल किया हूँ आपको दिखाने के लिए। देखिए फिल्टर पे जाएंगे तो ये देखिए निक कलेक्शन आ गया है, तो इसके लिए आपको कोई फोटो ओपन करनी पड़ेगी, तो फोटो ओपन कर लेते हैं। फिल्टर पे जाएंगे, ये देखिए निक कलेक्शन सभी आ जाएंगे, तो मैं आपको एक दो चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से जो है अच्छे अच्छे फिल्टर जो है आप अप्लाई करके फोटो को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। ये देखिए जैसी मर्जी फोटो आप क्रिएट कर सकते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके। तो इसको मैं फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ। अब चलिए और भी फिल्टर देखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि टोपाज लैब कैसे इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए भी यहाँ गूगल पर चले जाएंगे। यहाँ पे आपको एक वेबसाइट टाइप करनी पड़ेगी, वेबसाइट का नाम है soft98.ir, इंटर कर लें। तो देखिए वेबसाइट ओपन हो गई, ये वेबसाइट जो है दूसरी भाषा में, इसलिए यहाँ से ट्रांसलेट कर लेंगे। देखिए ये क्रोम ब्राउजर पर खोलेंगे तभी ट्रांसलेट का ऑप्शन आएगा। तो देखिए इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई। अब यहाँ पे सर्च कर लें, सर्च पे क्लिक करें और यहाँ लिखें टोपाज फोटोशॉप, इतना लिख के इंटर कर दें, नीचे आ जाएं। तो ये देखिए टोपाज फोटोशॉप प्लगइन बंडल, इसमें जो है सभी फिल्टर जो है एक ही सेटअप में आपको मिल जाते हैं, तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये दूसरा पेज आ गया, नीचे आ जाएं और नीचे आ जाएं। तो ये देखिए यहाँ पे जो है इसका डाउनलोड लिंक है, तो ये कन्वर्ट नहीं हुई है इंग्लिश में, तो देखिए यहाँ पे क्लिक करके कन्वर्ट कर लेते हैं इंग्लिश में। तो ये देखिए आ गया डाउनलोड, ये जो है 844 MB की फाइल है, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, तो ये भी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इसे भी फिलहाल मैं कैंसिल कर देता हूँ। और जो है ये देखिए डाउनलोड होने के बाद जो है आपको इस तरह की फाइल मिलेगी, ये देखिए टोपाज प्लगइन बंडल। तो इसमें एक पासवर्ड लगा रहेगा, पासवर्ड जो है आपका जो वेबसाइट है soft98.ir, यही इसका पासवर्ड रहता है, तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट हो चुका है, इसको ओपन कर ले फोल्डर। और ये देखिए इसमें भी सिंपली केवल एक ही सेटअप है, इसको भी जैसे निक कलेक्शन इंस्टॉल किया है सेम टू सेम इसको भी उसी तरीके करना है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना होता है, केवल एक सेटअप रहेगा।
तो ये मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैं फिलहाल इसको कैंसिल किए देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। इसे कैंसिल कर देते हैं। अब दोस्तों जो कैमरा का फिल्टर है वो कैसे आएगा, दोस्तों कैमरा वाला फिल्टर जो है, अगर आप फोटोशॉप सीसी 2017 अगर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें ये पहले से रहता है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे वर्जन पर यूज करना चाहते हैं तो अगर आपको कैमरा वाला ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप उसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए तो ये एक लिंक है, ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, तो इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, वेबसाइट पूरी खुल जाएगी। तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ ब्राउजर पर, ये देखिए वेबसाइट ओपन हो गई है। नीचे आ जाएं, अब ये देखिए यहाँ पे जो है मैक के लिए और विंडो के लिए दोनों के लिए दे रखा है, तो ये देखिए मैं विंडो वाले पे क्लिक कर लेता हूँ, कैमरा वाले पे। तो एक जिप फाइल रहेगी, इसको भी आप सिंपली इंस्टॉल करना है आपको। तो देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, ये 350 MB की फाइल है, ये भी इस तरह से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भी मैं कर चुका हूँ, इसको कैंसिल किया देता हूँ फिलहाल, कैंसिल हो गया। तो ये देखिए ये कैमरा का फिल्टर है, इसको भी आप सिंपली जो है ओपन करके सेटअप कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे सभी करते हैं सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों अब जो है अगर आप कोई ब्रश, ये एक स्किन स्मूथ करने वाला ब्रश है, तो इसको आप कैसे फोटोशॉप पर लोड करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए आपको फोटोशॉप ओपन करना पड़ेगा अपना। फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। फोटोशॉप ओपन होने के बाद इसको कैंसिल किया देते हैं फिलहाल, कोई फोटो ले लेते हैं, फोटो आ गई। अब दोस्तों ये देखिए, तो ये देखिए एक मैं टूल ले लेता हूँ, ये वाला ब्लर वाला टूल, ये देखिए अब जो है यहाँ, ये देखिए ऊपर जो है यहाँ ब्रश आता है, यहाँ पे देखिए सेटिंग दे रखी है, यहाँ से आप जो है ब्रश को अपलोड कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से लोड कर सकते हैं, लोड टूल प्रीसेट। और अगर आप यहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो ये देखिए माउस, माउस की राइट वाली बटन कहीं पर भी देखिए इस तरह से क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग पे क्लिक करें और सिंपली लोड ब्रश पे क्लिक कर दें, जहाँ भी आपका ब्रश पड़ा हुआ है ब्रश वाली फाइल, ये देखिए इस तरह से सिंपल लोड पे क्लिक करेंगे तो ये लोड हो जाएगा, तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगता लोड हो जाता है। तो ये वाला ब्रश है, ये देखिए मैंने 64 नंबर स्किन स्मूथ करने के लिए जो है इसका अपलोड किया है। अब दोस्तों अगर आप इसमें पूरी फोटो को नॉइज वगैरह कम करने के लिए जो फिल्टर है ऑयल वाला फिल्टर, ये वाला, तो इसको जो है आप कैसे फोटोशॉप पर अपलोड कर सकते हैं, तो इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ फोटोशॉप को। अब दोस्तों ये देखिए यहाँ पे जो है ये ऑयल ऑयल पेंट वाला जो फोल्डर है इसको मैं ओपन करता हूँ, ये देखिए इसमें जो है इन सभी फाइलों को आपको कॉपी कर लेना है और चले जाना है सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल में, और ये एडोब में, और ये देखिए एडोब फोटोशॉप सीसी 2017 है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब जो है आपको जाना है रिक्वायर्ड पे, अब आपको जाना है प्लगइन्स पे, अब आपको जाना है फिल्टर, और यहाँ पर सभी फाइल्स जो है पेस्ट कर देनी है। तो मैं पहले से पेस्ट कर चुका हूँ इसलिए कॉपी एंड रिप्लेस किए देता हूँ, ये देखिए सभी फाइलों को, ये देखिए कॉपी हो गई। कॉपी जैसे ही आप कर देंगे तो आपके में जो है ये वाला ऑप्शन आ जाएगा अपने आप, तो आप जब यहाँ फिल्टर पे चेक करेंगे तो आपको जो है अंदर ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दें, ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।